हाथरस घटना पर महिला कांस्टेबल का बयान, कहा हम लोग कर रहे थे लोगों को बचाने का प्रयास, उसी दौरान गिरने से लगी चोट। हाथरस हादसे में 7 घायलों की हालत स्थिर, 1 की हालत गंभीर, जल्द ही अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। राजस्थान सरकार की मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा, राजस्थान सरकार में थे कृषि मंत्री, सीएम भजन लाल को भेजा इस्तीफा। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस नेता गोविंद सिंह, कहा किरोड़ी लाल का हो रहा था अपमान, इसलिए दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं का मामला, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, याचिका में पिछले 2 सालों में 12 पुलों के ढहने की घटनाओं का दिया गया हवाला। नीट पेपर लीक मामले में बिहार से झारखंड तक सीबीआई का एक्शन, पटना में सीबीआई ने आरोपियों को सिविल कोर्ट में किया पेश, हजारीबाग में पेपर लीक से जुड़े शख्स की गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी, सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से अमन नाम के शख्स को किया गिरफ्तार, बिहार और झारखंड के सॉल्वर गैंग के संपर्क में था अमन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अलर्ट मोड पर पुलिस, बाबा के जन्मदिन पर लाखों भक्त पहुंचने की उम्मीद, हाथरस कांड के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। यूपी के बरेली में ट्रैफिक पुलिस का दिखा अलग अंदाज, एक तरह से कहें ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए अलग अंदाज में नजर आई पुलिस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मणिपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात, पानी में डूबे घर, रेस्क्यू टीम ने लोगों को बाहर निकाला। यूपी के सीतापुर में बारिश के बाद हालात खराब, ग्रामीण इलाकों में भी भरा पानी, पानी निकालने का काम जारी। गुरुग्राम में भी दिखा बारिश का असर, सड़कों पर भारी